हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभास मिश्रा पर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने आया हूं बिहार संपर्क क्रांति से जुड़ी दो बड़ी समस्याओं के बारे में। दोस्तों, ये समस्याएं ऐसी हैं जिसके बारे में कहीं नहीं बात की जा रही है, लेकिन दोस्तों ये समस्याएँ बहुत ज़्यादा गंभीर है। इन पर बात किया जाना, इन समस्याओं को उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कि दोनों क्या समस्या है, इसे रेलवे कैसे सॉल्व कर सकता है। दोस्तों, सारी बातें होंगी इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो शुरू करूँ, मेरा आपसे आग्रह, यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय इन समस्याओं पर जरूर दें। और कोई भी सुझाव शिकायत आपका है तो आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चल दोस्तों, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं शुरू करता हूं अपनी पहली समस्या से, जो कि प्रतिदिन हो रही है बिहार संपर्क क्रांति के साथ। दोस्तों, होता यूं है कि ट्रेन प्रतिदिन दरभंगा से खुलने के बाद वाया सीतामढ़ी होते हुए मुजफ्फरपुर तक जाती है। दोस्तों, जब यह ट्रेन मुजफ्फरपुर तक जाती है इस सीतामढ़ी होकर, तो नॉर्मली यह ट्रेन करीब 1 से 1.5 घंटे की देरी से पहुंचती है। और मुजफ्फरपुर जंक्शन पर पहुंचने के बाद इस ट्रेन के लोको को चेंज किया जाता है, जिस कारण से यहाँ पे आधा घंटा और लग जाता है। और दोस्तों, इस प्रकार से ट्रेन करीब 2 घंटे की लेट हो चुकी होती है। फिर दोस्तों, इस ट्रेन को वहां से रवाना किया जाता है। अब दोस्तों, यहां पे समस्या ये है कि जो इस ट्रेन के यात्री हैं, जो मुजफ्फरपुर या फिर उसके अगले रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं, उन्हें करीब 2 घंटे एक्स्ट्रा रेलवे स्टेशन पर बैठना होता है, जो कि पूरी तरीके से असुरक्षित है। दोस्तों, इस कोरोना के दौरान जब हमारी सरकार कह रही है कि आप घर पर रहें, किसी भी समय घर से ना निकले, तब 2-2 घंटे किसी रेलवे स्टेशन पर असुरक्षित सी जगह पर बैठना कितना सुरक्षित है, इस पर रेलवे को सोचना चाहिए। और यहाँ पर रेलवे को या तो यह करना चाहिए कि इस ट्रेन की टाइमिंग को बदल देना चाहिए टेम्प्रोरी रूप से, यानी कि जब तक ये ट्रेन सीतामढ़ी होकर आ रही है तब तक इस ट्रेन के टाइमिंग को बदल दिया जा सकता है। या फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इस ट्रेन को समस्तीपुर से ही ओरिजिनेट और टर्मिनेट किया जाए, जिस कारण से क्या होगा कि ये ट्रेन लेट नहीं होगी और इसी के साथ साथ यहाँ पे लोगों को चेंज भी नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, पहली समस्या तो यही थी। दोस्तों, दूसरी समस्या भी इसी से जुड़ी हुई है। दोस्तों, होता यूँ है कि परसों के दिन यानी कि शनिवार को बिहार संपर्क क्रांति नई दिल्ली से खुलती है और दोस्तों वो ट्रेन पहुँचती है मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन। दोस्तों, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का लोगो चेंज होता है, यानी कि यह ट्रेन इलेक्ट्रिक से डीजल में कन्वर्ट होगी और फिर वहां से इसे सीतामढ़ी की ओर रवाना किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहां पे लोको तो चेंज किया जाता है, लेकिन जो लोको लगाया जाता है वो काम नहीं कर पाता है, वो पूरी तरीके से फेल हो जाता है। और फिर दोस्तों, वहां पे फिर से दोबारा एक लोको लगाया जाता है, लेकिन दोस्तों इस बार ये ट्रेन चल पड़ती है। दोस्तों, इसी लोको चेंज करने के चक्कर में करीब 2 घंटे तक ट्रेन वहीं पर खड़ी रहती है और 2 घंटे की देरी से इसे मुजफ्फरपुर जंक्शन से रवाना किया जाता है। फिर दोस्तों, जब ये ट्रेन मुजफ्फरपुर से चलती है और दरभंगा जंक्शन पहुंचती है, तो 2 घंटे और ज़्यादा लेट हो चुकी होती है, यानी कि यह ट्रेन करीब 4 घंटे लेट दरभंगा जंक्शन पर पहुंचती है, जो कि बड़ा ही सोचने वाला सवाल है। और दोस्तों, इस पर भी रेलवे को सोचना चाहिए कि जब इस कोविड-19 के चक्कर में यात्रियों के साथ पहले से इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उन्हें मास्क लगाना पड़ रहा है, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना पड़ रहा है, तब दोस्तों यहां पे रेलवे क्यों और उनकी समस्याओं को बढ़ा रहा है, क्यों ट्रेनें लेट हो रही है। दोस्तों, इस पर भी रेलवे को सोचना चाहिए। दोस्तों, यही दो समस्याएं हैं बिहार संपर्क क्रांति के साथ जो मुझे आपको बतानी थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।